आईपीएल 2024 के 49वें मुकाबले में पंजाब के हाथों चेन्नई की टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों पंजाब की जीत के बाद आईपीएल 2024 का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। चेन्नई की टीम अब आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से बाहर हो सकती है। आप भी चाहते हो चेन्नई की टीम प्लेऑफ में पहुंचे और आप जानना चाहते हो आईपीएल का नया पॉइंट टेबल क्या है, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 49वां मुकाबला सीएसके और पंजाब टीम के बीच में खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम के बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाए। हालांकि कप्तान गायकवाड़ ने 62 रन की पारी खेल डाली, अजय कराने ने 29 रन लगाए। चेन्नई की टीम बना पाई पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 162 रन, जिसके जवाब में पंजाब की टीम ने लक्ष्य का पीछा कर लिया और इस मुकाबले को जीत करके चेन्नई को लगातार चौथा मुकाबला हरा दिया। और दोस्तों पंजाब टीम की ओर से जॉनी बेरेस्टो ने सबसे ज्यादा 40 रन की पारी खेली, रायली रूसो ने 43 रन लगाए। और दोस्तों चेन्नई की टीम ने अब तक कुल मिलाकर के आईपीएल 2024 के अंदर 10 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं, 5 में हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट के साथ अब भी पॉइंट टेबल में नंबर 4 पे मौजूद है। तो वही नंबर 3 पे लखनऊ की टीम है, 10 में से 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे, 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे है। तो वही केकेआर की टीम ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 3 में हार का सामना करना पड़ा है, 12 पॉइंट के साथ आईपीएल की पॉइंट टेबल में नंबर 2 पे मौजूद है। तो वही नंबर 1 पे है राजस्थान की टीम, जिसने 9 में से 8 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला हारा है और 16 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है राजस्थान। और दोस्तों पंजाब की टीम ने आईपीएल 2024 के अंदर कुल मिलाकर के 10 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं, 6 में हार का सामना करना पड़ा है, 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 8 पे मौजूद है।